हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ी जिसको बोलते थे डिफरेंशिएशन। तो उसका हमने पूरा वीडियो इसमें पिछले लास्ट लेक्चर में आपको अपलोड कर दिया था, जो आपने देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आज हम उसका यूज करते हुए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, स्पीड कैसे निकालते हैं, और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि हम एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप सिंपली आप इससे क्वेश्चन से समझ जाओगे। तो देखिए कि सपोज करो एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें x के टर्म्स में, और x है टाइम के टर्म्स में दे दिया 18t प्लस 5t स्क्वायर। आपसे पूछा फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है। वो लिख भी सकता है कि इंस्टेंटेनियस, या फिर मैं आपको पहचान बताऊंगा कि कब इंस्टेंटेनियस होगी, कब एवरेज होगी। इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड, ठीक है, एक एवरेज इन 2 सेकेंड और एक इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx/dt, ठीक है, वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स को आप लिखते हो x2 - x1 / t2 - t1। आ रहा है ना, इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड का मतलब आप समझ रहे हो 0 से 2 के बीच में पूछ रहा है। तो पहले अगर हम x2 फाइंड कर लें इन 2 सेकेंड, तो एक पार्ट तो हम निकाल लेते हैं x को 0 पर, तो ये हो गया 18 × 0 प्लस 5 × 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 0। और एक बार निकाल देते हैं 2 पर, तो 18 × 2 प्लस 5 × 2 का स्क्वायर, तो देखिए 18 × 2 = 36 प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, तो दैट इज 56, ठीक है। तो अब आप एवरेज निकाल सकते हैं, वी एवरेज is equal to 56 - 0 / 2 - 0, so that is 56/2, 2 × 2 = 4 and 28 meter per second। आ गया सर 28 meter per second, ये आ गया आपके एवरेज। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालनी होती है, तो v इंस्टेंटेनियस क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, dx/dt, क्लियर है, dx/dt। तो इसका करते हैं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट आपको पता चल रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट हो गया, देखिए 18t का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो 18, ठीक है। डिफरेंशिएट अगर नहीं आते तो आप पिछले वीडियो को देख कर आइए, आपको समझ में आ जाएगा। और t स्क्वायर हो गया 2t × 5, दैट इज 10t। अब यहां कितने पर चेक करना है, t = 2 सेकंड पर हम चेक करते हैं, तो v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 18 + 10 × 2, तो 18 + 20 दैट इज 38 meter per second। तो ये देखिए इंस्टेंटेनियस आई है 38 meter per second और वो आई है 28 meter per second एवरेज। तो ये डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, ठीक है। ये एट ए इंस्टेंट की स्पीड है, या हमने 2 सेकंड पर ही चेक करी है, और ये 2 सेकंड का एवरेज है, ठीक है। तो ये कुछ आपको डिफरेंस समझ में आया होगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है। और ले लीजिए एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट गिवन है s = 4t² - 10t + 5। आपसे पूछा कि आप बताइए वेलोसिटी
एट 2 सेकेंड एंड इन 3 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस हमको एट फाइंड करना है। एट 2 सेकेंड का मतलब होता है एट इंस्टेंट, यानी एट 2 सेकेंड पर ही चेक करना है, तो हमें समझ में आ गया वो इंस्टेंटेनियस है। और इन 3 सेकेंड तो हमें एक टाइम ड्यूरेशन मिल गया कि 0 से 3 सेकेंड के बीच में बतानी है, तो दिस इज द एवरेज। ठीक है, तो ये एवरेज है और ये आपका इंस्टेंटेनियस है। तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस लिख कर दे, आपको पहचानना है अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर ही पूछ रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस होगी, और अगर वो टाइम ड्यूरेशन दे रहा है तो वो आपको समझ में आ रहा है वो एवरेज होगी। तो बात करते हैं, चलो पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो 3 सेकेंड पर हम पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, यहाँ वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो 3 - 10 × 3 + 5 दैट इज 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 -30 + 5 तो 36 और 5 हो गया आपका 41, 41 - 30 दैट इज 11। ठीक है, अब एस 0 की बात कर लें, तो एस 0 रखने पर आपको समझ आ रहा है 4 × 0 - 10 × 0 + 5 तो एस 0 पर आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 5। तो वी एवरेज आ गया समझ आपको, वी एवरेज क्या होता है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तो एस 3 - s0 / t3 - t0। ठीक है, यानी समझ रहे आपको, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए S3 कितना है, S3 11 है, वो है आपका 5 / 3 - 0 तो 11 - 5 = 6, 6 / 3 दैट इज 2 m/s। क्लियर है, ये एवरेज थी। अब बात करें इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इंस्टेंटेनियस के लिए हमें इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं और यहां से इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, तो हमें पता है v इंस्टेंटेनियस होती है ds/dt, तो v इंस्टेंटेनियस ds/dt का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये हो गया t स्क्वायर का होता है 2t। ठीक है, 2t × 4 = 8t माइनस t का होता है डिफरेंशिएट 1 दैट इज 10 और वो आपको समझ आ गया 0 क्योंकि वहां t का टर्म्स ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएट होकर आ गया 8t - 10। अच्छा, टी की वैल्यू आपको कितने पर चेक करना है, टी की वैल्यू 2 पर चेक करना है, तो वी इंस्टेंटेनियस आपका आ गया 8 × 2 - 10 दैट इज 16 - 10 = 6 m/s यानी एट 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड कितनी थी 6 m/s लेकिन 0 से 3 के बीच में जो एवरेज आया उसका हुआ था 2 m/s। क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर एट ए पर्टिकुलर टाइम बोले फिर बता रहा हूँ आपको, एट ए पर्टिकुलर टाइम है तो इंस्टेंटेनियस है, और अगर टाइम ड्यूरेशन है तो वो है आपका एवरेज। और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें एक आध, जो ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को तुरंत निकाल लें। तो यहाँ रख लेते हैं टी की 3, ये डिस्प्लेसमेंट है टी की 3 - 6t² और आपसे पूछा कि बताइए वेलोसिटी। ठीक है, आपसे पूछा वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इन 2 सेकेंड एंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, इस पर वेलोसिटी एट 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पर पूछ रहा है और ये पूछ रहा है वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। तो सिर्फ समझ में आ रहा है कि दैट इज एवरेज हो गई और ये इंस्टेंटेनियस है दोनों, तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो 2 सेकेंड पर हम पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कि 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 की पावर 3 - 6 × 2² दैट इज 2 की पावर 3 दैट इज 8 × 2 = 4, 4 = 12 8 - 12 दैट इज -4। अब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर हम कोऑर्डिनेट ओरिजिन से मान लें तो नेगेटिव भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में कोई टेंशन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है।
क्योंकि अगर हम ओरिजिन को फिक्स कर लें और राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड तो पॉसिबल है, और अगर हम ये टू का हो गया, जीरो की बात करें तो जीरो पर तो ये जीरो हो गया, तो वी एवरेज की बात करें तो वी एवरेज आप जानते हो एस टू माइनस एस जीरो अपॉन टी टू माइनस टी जीरो, तो दैट इज माइनस फोर माइनस जीरो एंड टू माइनस जीरो दैट इज माइनस फोर बाय टू दैट इज माइनस टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस आपको समझ आ रहा है, बस डायरेक्शन अपोजिट करा गया दूसरी टीम में कि अपोजिट डायरेक्शन में माइनस टू मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। अच्छा, इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस में आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के टर्म्स में, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 3d स्क्वायर और t स्क्वायर का हो गया 2t, 2t का मतलब 12t, तो ये हमें समझ में आ गया 3d स्क्वायर माइनस 12t। तो अब हमें चेक करना है एट t is equal to 1, t is equal to 1 रखते हैं तो 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 12 into 1, तो 3 minus 12 that is minus 9 meter per second। ठीक है, और अगर हम t is equal to 2 की बात कर लें तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t, t is equal to 2 second रख लीजिए, 3 into 2 का स्क्वायर माइनस 12 into 2, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 24 दैट इज माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको पता वेक्टर क्वांटिटी है, विद साइन हम रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव शो कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे हमारे कंसेप्ट एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, जो आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा टाइम के टर्म्स में और आप इजीली उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे, और अगर एवरेज निकालना है तो हमें टाइम ड्यूरेशन मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल, उससे हम निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये था स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब इसी में हम एक्सीलरेशन को पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन में ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर हम लिखें ए एवरेज तो ए एवरेज आपको समझ गया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक है, एवरेज हो गया ये, और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो यहाँ इंस्टेंटेनियस आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा डीवी बाई डी टी, यानी वेलोसिटी का हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एवरेज के लिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो बिल्कुल सेम कहानी जो अभी हम पढ़ते आ रहे थे वही है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सिंपल बता सकते हैं एक्सप्रेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर एवरेज निकालना है तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करेंगे, और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डीवी बाई डी टी करेंगे। तो एक सिंपल सा टर्म्स है एक्सीलरेशन का, और आपको पता है एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि समझ में आ रहा है आपको वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और एक टी और आ गया तो दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, और कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन है, आप देखिए इसमें क्वेश्चंस कर लीजिए इसके, तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे बोले आपसे कि s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t। ठीक है, एक इक्वेशन दे दिया आपको s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t, आपसे पूछा देखिए से पूछ लेते हैं वेलोसिटी एट टू सेकेंड, वेलोसिटी इन टू सेकेंड, एक्सीलरेशन इन टू सेकेंड एंड एक्सीलरेशन एट टू सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, तो इस तरह से मैं सोल्व कर दी है चार चीज, तो देखिए प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी।
तो पहले अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इन 2 सेकंड, तो हमें समझ में आ गया कि पहले हमें वेलोसिटी इन 2 सेकंड निकालना है, तो पहले 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें। तो 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 10 दैट इज 18। और एस जीरो पर बात करें तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेलोसिटी इन 2 सेकंड्स, यानी वेलोसिटी एवरेज, और ये कौन सा केस है, ये इन 2 सेकंड का केस है, तो ये हो गया आपका 18 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, दैट 18/2 दैट इज 9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं, तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तो v इंस्टेंटेनियस निकालना है, और इसको बोलेंगे हम ds/dt। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए, t स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2t 2t into 2 4t, और 5t t का होता है 1, तो आंसर आ गया आपका 4t + 5। क्लियर हो गया, 4t + 5। अच्छा, v इंस्टेंटेनियस पूछ कितने पर रहा है, 2 सेकंड पर पूछ रहा है, तो at t = 2 रख लीजिए, तो ये हो गया 4 into 2 + 5, तो that is 8 + 5, that is 13 meter per second। तो ये आपका यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। यहां से तो एक्सीलरेशन एक तो पूछ रहा है इन 2 सेकंड में, और एक एक्सीलरेशन पूछ रहा है एट 2 सेकंड। अगर एक्सीलरेशन एवरेज की बात करें हम, तो हमने क्या बताया था, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, यानी 0 और 2, तो अगर हम एक बार तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सी है, ये या ये, वेलोसिटी तो ये है हमारे पास, तो वेलोसिटी आ गई, तो एक बार तो हम इसे 2 पर चेक कर लेते हैं, 2 पर कितनी होगी ये, तो ये होगी 4 into 2 + 5, दैट इज 8 और 5 13। और अगर 0 की बात करें तो ये 0 पर कितनी होगी, 4 into 0 + 5, तो दैट इज 5। तो अब हम बात करें एक्सीलरेशन एवरेज की, तो आप सिंपल निकाल सकते हैं 13 - 5 / 2 - 0, 13 - 5 = 8/2, और दैट इज 4 m/s², दैट इज एक्सीलरेशन एवरेज। क्लियर हो गया एक्सीलरेशन एवरेज। अब क्या निकालना, एक्सीलरेशन एट इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन एट इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आपको पता है, dv/dt, यानी v का फिर डिफरेंशिएट कर दें, तो v ये रहा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो t का 1, तो 4 आ गया खाली, 5 का तो 0 हो गया, तो ये हो गया 4, और हमें चेक करना है 2 सेकंड पर। अब इसमें आपको पता है कि t तो है ही नहीं, अगर t का टर्म्स नहीं है तो एक्सीलरेशन इसका मतलब कांस्टेंट था, दैट इज 4 m/s². तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, और जैसा भी पूछा है, एवरेज पूछा है या इंस्टेंटेनियस पूछा है, तो आप उसी कंडीशन में आप उसे फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज करो s = ले लीजिए 3d² + 4t + 1, और फाइंड कर लीजिए, ठीक है, इसमें फाइंड कर लेते हैं हम वेलोसिटी एट 3 सेकंड, वेलोसिटी इन 2 सेकंड, एक्सीलरेशन एट 3 सेकंड एंड एक्सीलरेशन इन 2 सेकंड। ठीक है, तो यही फाइंड करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं यहां से। तो पहले बात करें हम वेलोसिटी इन 2 सेकंड, तो वेलोसिटी इन 2 सेकंड के लिए हमें पहले क्या निकालना है, s2 निकालना है,
एस टू की बात करें तो 3 × 2² + 4 × 2 + 1 चीज़ 12 + 4 = 8 + 1 डेट इज 21। और एस जीरो फाइंड कर लीजिए, एस जीरो हो गया आपका दैट इज 1 भाई 3 × 0² + 4 × 0 + 1 दैट इज 1। तो एक तो आपका वी एवरेज तो आ गया कितने सेकंड में, 2 पर पूछ रहा है, इन 2 सेकंड। तो क्या लिखेंगे, S2 - S1 और T2 - T1 यानी 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 21 - 1 / 2 - 0 भाई 0 पर देखना था, सही है। तो 20 - 2 = 20/2 दैट इज 10 m/s। इंस्टेंटेनियस की बात करनी है तो v इंस्टेंटेनियस हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा by dv/dt। तो टाइम के टर्म्स में इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, t स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है 2t, 2t का मतलब 60 प्लस 4 वो खत्म हो गया। अच्छा जी कितने पर चेक करना है, 2 पर, तो एड 2 तो ये रख लीजिए 6 × 2 + 4 तो दैट इज 6 × 2 = 12 + 4 दैट इज 16 m/s। ठीक क्लियर हो गया आपको वेलोसिटी। तो अब एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन भी देखिए 2 पूछ रहा है, एक एड 3 सेकंड और एक इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड पूछ रहा है तो वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले वेलोसिटी है 2 सेकंड पर निकाल लीजिए, तो वेलोसिटी तो ये रही 2 सेकंड पर 6 × 2 + 4 दैट इज 12 + 4 = 16 और एक 0 पर निकाल लेते हैं तो 0 पर देखिए 4 आएगी। तो अगर एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो उसको हम लिखेंगे Δv/Δt, तो इसका मतलब 16 - 4 / 2 - 0 तो 16 - 4 = 12/2 दैट इज 6 m/s². क्लियर हो रहा होगा 6 m/s उसका। और क्या पूछा है, एक पूछा एक्सीलरेशन एट 3 सेकंड एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस का आपको फॉर्मूला पता है dv/dt, तो v का डिफरेंशिएट कर दीजिए, v कहां है यहां, तो t की वैल्यू मतलब t का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 तो 6 आ गया, 4 तो 0 हो गया दैट इज 6। अब यहां भी देखिए तो यहां भी t की वैल्यू तो रखने के लिए रही नहीं हमारे पास 3, तो एक्सीलरेशन का आंसर आपका ये कांस्टेंट ही हो गया 6 m/s². तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये क्यूब वगैरह हो तो यहाँ भी आपको लगे कि हर बार ऐसा नहीं होगा, टी बच जाएगा, टी बचेगा तो उसकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे और वो वेरिएबल हो जाएगा। ये सपोज करो क्योंकि अगर टी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा तो दिस इज कॉन्स्टेंट है, यानी एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो ये टर्म्स था आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी एवरेज निकालना, इंस्टेंटेनियस निकालना, एक्सीलरेशन निकालना, एवरेज निकालना, इंस्टेंटेनियस निकालना। तो ये हमें ठीक है, देखिए और इसमें कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि S = 4t² + 3t। ठीक है ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमसे, पूछा फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी is zero। ठीक है ऐसे भी पूछ लेता है कि हमें वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी जीरो हो, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है टाइम के टर्म्स में और हमसे पूछा है फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी जीरो। ठीक है एक वो टाइम बताना है जिस पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करें, पहले वेलोसिटी निकाल लें, वेलोसिटी के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ds/dt। तो कर लीजिए v = ds/dt, तो ये हो गया t² का 2t, 2t = 8t और प्लस 3 आ गया सर में भाई, डिफरेंशिएट आपको आने चाहिए क्योंकि बिना डिफरेंशिएट के आएगा नहीं है। तो t का वन होता है और t² का होता है 2t, तो 8t प्लस 3 अब क्या कह रहा है, तो ds/dt यही तो है हमारा 8t प्लस 3। अब ये वो टाइम पूछ रहा है जिस पर वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो, तो सीधा इक्वल टू 0 रखो, 8 3 + 3 = 0
तो एक t इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो t इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर। अब टाइम को नेगेटिव होता नहीं है तो हमें समझ में आ गया कि 3/4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो टाइम पीरियड बताइए जिस पर वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। तो इस तरह से निकालना है। और देखिए और इसमें क्या पूछ सकता है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और लगता है मुझे कि आपको ये कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर। अच्छा थोड़ा सा हम अभी ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 1D प्लेन के, हम इसे थोड़ा वेक्टरली अगर हम देखते हैं तो वेक्टरली भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ऐसे ले लिया हमने इक्वेशन है, यानी जो पार्टिकल से, अब देखो आई में भी चल रहा है और जे में भी चल रहा है, तो ये 2D हो गया, आई और जे दोनों में चल रहा है। तो आपसे पूछा है इसमें कि वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, स्पीड बताइए, स्पीड एट 1 सेकेंड एंड एक्सीलरेशन एट 1 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वेलोसिटी स्पीड तीनों चीज निकाल लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए हमें क्या करना होता है, अब देखिए मोशन कैसा है, 1D, तो इस पे दोनों डायरेक्शन में मोशन है, एक्स में भी वाई में भी। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम दोनों टाइप की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यानी वी एक्स और वी वाई। अरे सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल लेते हैं, तो एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो एस एक्स कितना है 3T, और इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एस बाई डी टी वो हो जाएगा 3। क्लियर है। अच्छा इसकी बात करें वी आई, तो ये है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एस वाई वो है 4T स्क्वायर, और अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मिल गया, इसकी वेलोसिटी निकाल लें एवरेज इंस्टेंटेनियस, ठीक है इंस्टेंटेनियस निकालनी है, तो ये हो जाएगा डी एस वाई बाय डी टी, ये वाई में थी और ये एक्स में थी, तो ये हो गया 2 × 4 = 8T। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो आ गई आपकी 3i कैप प्लस 8t जे कैप। अब यहां पर टी की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है टी की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो ये हो गया 3i कैप प्लस 8j कैप। आ रहा हो समझ में, भाई टी की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए तो वेलोसिटी मिल गई। अच्छा स्पीड निकालनी है, तो स्पीड को आप समझते हैं स्पीड कैसे निकालते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वही स्पीड कहलाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 × 64 = 64, 9 कितना हो गया 73, तो दैट इज √73। ठीक है, ये आपकी स्पीड हो गई। अच्छा एक्सीलरेशन की बात करनी है, तो एक्सीलरेशन भी पूछ रहा है, तो अगर हम इसका एक्सीलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में है ही नहीं तो ये तो जीरो हो गया, और इसके एक्सीलरेशन की बात करें हम तो इसका हम कर सकते हैं dy/dt, और वो हो जाएगा 8। तो जो एक्सीलरेशन है आपका वो हो गया 0i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, अब इसमें देखो टी नहीं है, अब टी नहीं है तो 1 सेकेंड रखने की कोई नीड नहीं है, आई में तो जीरो है, एट जे में चल रहा है 8 से और वो कांस्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं वेक्टरली, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पहले क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अलग अलग रखना है, दोनों एक्सिस की वेलोसिटी अलग अलग निकालनी है। ठीक है, फिर वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने में तो हमें स्पीड मिल जाएगी, और फिर वेलोसिटी का फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी प्लेन में तो एक और ले लेते हैं हम, सपोज करो s इज इक्वल टू
40 स्क्वायर आई कैप प्लस 2t माइनस 1 जे कैप, और फाइंड वही करना है आपको, फाइंड वेलोसिटी एट 1, स्पीड एट 1 और एक्सीलरेशन भी एट 1 सेकेंड। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ना है, बाकी तो आप रख सकते हैं। मैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम वन से कर रहे हैं, किसी तरीके का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपके पास है तो आप किसी भी बुक से कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, ये सिंपल है। बस आप हमें कंसेप्ट पकड़ना आना चाहिए क्वेश्चंस की, कि नहीं कितने भी कर लो न्यूमेरिकल में, कितने भी करा दूं तो सब न्यूमेरिकल रटने थोड़ी ना है। तो क्या करना होता है, बस हमें कंसेप्ट क्लियर करना होता है। कंसेप्ट क्लियर हो तो हम इजीली कोशिश करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। तो अब देखिए, इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। एसेट्स, तो एसेट्स की बात करें तो एसेट हो गया 4t स्क्वायर, और एसवाई की बात करें तो ये हो गया 2t माइनस 1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर जाना है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको समझना है, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के टर्म्स में। तो ये 2t स्क्वायर का हो गया 2t, 2t दैट 4 दैट इज 8t, और इसका भी कर ले तो ये हो गया डी एस वाई वाई डी टी, तो ये हो गया 2, ओनली 2 हुआ। ठीक है, तो वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी लिख लीजिए, ये हो गया आपका 8t आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, एट 1 सेकंड, आप कितने भी रख लो, 1 सेकंड मैंने बोला, 2 सेकंड रख लो, 3 सेकंड रख लो, जहां भी आपको फाइंड करनी है। तो एट टी इज इक्वल टू 1 पर रखेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 8 × 1, 8 आई कैप प्लस 2 जी कैप। अच्छा, स्पीड की बात करें यहां से, तो स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड में देखिए क्या होता है, आपको पता ही है मोड ऑफ बी, तो मोड कैसे निकालते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 68। तो ये हमारी स्पीड आ गई। अब एक्सीलरेशन करना है तो हमें वेलोसिटी का मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करें तो एक्सीलरेशन आ जाएगा एक्स एक्सिस में dvx / dt, तो 8t का हो गया 8, और यहाँ करें तो आपको पता है एक्सीलरेशन इन y, तो यहाँ तो टाइम का टर्म्स ही नहीं है, देखिए हमें dvy / dt तो टाइम का टर्म्स नहीं है, 0, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे आप, एक्सीलरेशन को लिखोगे 8i कैप प्लस 0 j कैप। अब यहाँ टाइम का टर्म्स ही नहीं बचा, तो टाइम का टर्म्स नहीं बचा तो इसका मतलब है आई एक्सिस में 8 कांस्टेंट से चल रहा है चेत भाई। तो आप इस तरह से कितने भी क्यूब वगैरह कर लीजिए तो आपके आंसर आते चले जाएंगे आगे। ठीक है, हमें केवल कंसेप्ट पकड़ना है, और कंसेप्ट यही है कि हमें डिस्प्लेसमेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट को दो पार्टों में डिवाइड करना है। अगर दो डायरेक्शन में चल रहा है आई और जे में, तो ये आई हो गया जे, इसके बाद वेलोसिटी पर जाना है तो इन दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके वहां लिख लेंगे। ठीक है, टाइम जो पूछा है टाइम ड्यूरेशन में पुट करेंगे। स्पीड आपको बताइए, स्पीड तो सिंपल सा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और एक्सीलरेशन के लिए क्या करना है, फिर हमें वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इसका वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करना है और उसको रखना है, और अगर इसमें वैल्यू बचती है तो हम इसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, हमें एक्सीलरेशन भी पता चल जाएगा। तो यह था हमारा कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर वेक्टरली भी आते हैं हम पर एक्सीलरेशन स्पीड निकालने के लिए, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। और जैसा भी इससे पहले क्वेश्चन कराया था मैंने कि एट व्हाट टाइम वेलोसिटी 0 या एक्सीलरेशन 0, तो आप समझ रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कितने भी कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो आप करते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, कंसेप्ट पकड़ लीजिए आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जो आपको याद रखना है माइंड में, और मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट है वो, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको याद रखना है। जैसे आपसे बोल दिया कि x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, और आपसे पूछा कि फाइंड एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी एट 3 सेकेंड 4 सेकेंड किसी भी पूछ लिए, तो देखिए फाइंड एवरेज स्पीड एट 3 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी भी निकालेंगे हम एवरेज, देखते हैं, लेकिन हमें बस कंसेप्ट पकड़िए कि कंसेप्ट हमें कैसे करना है क्वेश्चन।
तो देखते हैं तो हमें क्या करना है कि एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी निकाल के देखते हैं। तो इसका पहले हम वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। तो वेलोसिटी हो गई आपकी 2 माइनस 2t, क्लियर। तो वेलोसिटी हो गई 2 माइनस 2t, सही है जी। देखो पोजीशन बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें। तो एट टी इज इक्वल टू 0 पर बात करते हैं, टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन देखते हैं हम है कहाँ, टी इज इक्वल टू 0 पर। तो टी इज इक्वल टू 0 पुट करें तो पार्टिकल 0 पर है, देखिए 2 × 0 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स 0 है, सपोज करो कि ये 0 पार्टिकल है, यानी पार्टिकल यहां पर है स्टार्टिंग में एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अच्छा जी, अब देखते हैं कि वेलोसिटी किस टाइम पर 0 हो रही है। देखो आ रहा है, वेलोसिटी किस टाइम पर 0 हो रही है, समझना ध्यान से। वेलोसिटी देखो 0 हो रही है, 2 − 2t है। तो अगर t की वैल्यू हम 1 रखें तो देखो वेलोसिटी 0 हो गई, यानी एट टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है। आया सुन, एट टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 हो गई है। तो हम 1 सेकंड पर पोजीशन देखते हैं, पहले हम 1 सेकंड पर है कहां पर। तो 1 सेकंड पर अगर हम पार्टिकल की पोजीशन देखें तो वो होगी 2 × 1 −1, दैट इज 1 मीटर। यानी 1 सेकंड पर जो पार्टिकल्स है वो 1 मीटर पर है, सपोज करो ये 1 मीटर हो गया, पार्टिकल यहां पर है और इस समय पर इसकी वेलोसिटी 0 है। अब बात करते हैं कि 3 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ होगा। तो 3 सेकंड पर पार्टिकल को चेक करते हैं, 3 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ मिलेगा हमें। एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो 3 × 2 = 6 −3 स्क्वायर, तो 3 × 2 = 6 −9, दैट इज −3। यानी पार्टिकल की पोजीशन −3 है, −3 आप समझ गए, यानी पार्टिकल यहां पर है कहीं और ये कितना है −3। आगे सुन ले, पार्टिकल यहां है कहां पर, −3 पर है पार्टिकल। इसका मतलब यहां से जाकर पार्टिकल ने पलटी मारी है, यानी पार्टिकल्स घूम कर आया है, जब भी तो पहुंचेगा भाई। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल पहले आगे जाएगा और उससे 0 करने के बाद रुकना पड़ेगा, फिर मुड़ेगा। 2D में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2D में तो आप बिना स्पीड को रोके आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर 1D में डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल कहीं पर जाकर 0 हुआ है और 0 करके वो वापस लौटा है। आ रहा है सुन में, कोई 1D है तो पार्टिकल पहले यहाँ गया, यहाँ रुका है, फिर यहाँ से वापस आया है, इसका मतलब वो 1 ऐसे चला है और 1 ऐसे भी चला है। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी चला है पार्टिकल, तो टोटल चला है 1 + 1 और +3, दैट इज 5 मीटर। क्लियर है कंसेप्ट, टोटल डिस्टेंस कितनी चला है पार्टिकल, 5 मीटर। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5/3, ये स्पीड है। तो याद रखना कि आपको क्वेश्चन ऐसे करना है, अगर मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ने कहीं पलटी मारी है, क्योंकि ये 1D मोशन है और पार्टिकल्स कहीं 0 हुआ, पार्टिकल की स्पीड कहीं 0 हुई है, फिर वापस रुका मुड़ा है। तो वहां से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए चला कहाँ से था, यहाँ से चला था, तो -3, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया −3/3, यानी −1, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी भी अगर निकाल सकते हैं इसकी, −3/3, दैट इज −1। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि कहीं पार्टिकल ने, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल में और एवरेज भी पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए कि कहीं पार्टिकल ने पलटी तो नहीं मार ली, यानी पार्टिकल्स कहीं घूम कर तो नहीं आया, कहीं डायरेक्टली आप ऐसे ही कर लो, वेलोसिटी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर −60 +4, ठीक है, और आपसे वही पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड में एवरेज स्पीड क्या थी इस पार्टिकल की, तो देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, फटाफट क्या करना है, वी निकाल लीजिए पहले। तो वी हो गया 2t − 6, देखो वेलोसिटी हमें समझ में आ रहा है डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब पहले हम टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स की पोजीशन निकाल लेते हैं। तो एक्स की पोजीशन हो गई ये 0 दैट इज 4, यानी पार्टिकल्स कहीं 4 पर है। तो फटाफट से देख लीजिए, यानी पार्टिकल्स कहीं यहाँ है, दैट इज 4 मीटर, ठीक
टी इक्वल टू जीरो पर, अब देखते हैं वेलोसिटी कितने टाइम्स पर जीरो हो रही है, तो हमें पता चल गया कि टी इक्वल टू थ्री पर वेलोसिटी जीरो हो रही है। भाई टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स, तो वेलोसिटी जीरो, टी इक्वल टू थ्री। तो टी इक्वल टू थ्री पर हम देखते हैं पार्टिकल्स की पोजिशन कहाँ है, थ्री पर चेक करो, तो ये हो गया थ्री थ्री जा नाइन माइनस एटीन प्लस फोर, तो नाइन और फोर थर्टीन माइनस फाइव, यानी पार्टिकल्स माइनस फाइव पर है। ठीक है, माइनस फाइव पर है पार्टिकल्स, यहां आ गया सपोज करो माइनस फाइव पर, यहां पर पार्टिकल है। अब कितने पर पूछ रहा है, फाइव पर पूछ रहा है, तो फाइव पर पोजिशन और फाइंड कर लो पार्टिकल्स है कहां, तो फाइव पर करोगे तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी प्लस फोर, तो 25 और 4 29 दैट इज माइनस वन, यानी पार्टिकल माइनस वन पर है, यानी पार्टिकल्स कहीं घूमकर यहां आ गया है, और ये डिस्टेंस कितनी है माइनस वन, आ गया समझ में, तो यानी यहां पर है माइनस वन पर। तो अब पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 5 4, क्लियर है ना, 4 5 4, तो 5 और 8 13, तो टोटल पार्टिकल डिस्टेंस चला है 13, तो स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई 13 बाय 5। इस तरह से हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है। तो